स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं अर्चना। देखते देखते 8 साल बीत गए हैं, पर आतंक की छाया आज भी शेष है। वर्ष 2011 में भूकंप से सिक्किम व सिलीगुड़ी सहित पूरे उत्तर बंगाल की धरती कांप उठी थी। आमतौर पर विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को ही होती है, लेकिन वर्ष 2011 इसका अपवाद था। उस दिन 18 सितंबर के दिन ही विश्वकर्मा पूजा थी। अचानक शाम के वक्त 6:10 पर जैसे जलजला आ गया। सिक्किम के साथ साथ पूरे उत्तर बंगाल में सिर्फ 40 सेकंड के भूकंप ने जैसे कहर ढा दिया था। आज भी वे यादें लोगों के रोंगटे खड़े कर जाती। उस टाइम में मैं बाहर था, मेरा काम आसाम में था। तब मैं जब पूजा हो रहा था और सामने में मेरा जो गाड़ी था वो पूरा हिल रहा था, और सिलीगुड़ी में सिचुएशन जो था वो मैंने सुना है कि बहुत जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा बिल्डिंग का ईटा वीटा सब गिर रहा था। ऐसा बहुत ही ख़राब दिन था, बहुत ही भयंकर दिन था। तो अभी भी कल तो विश्वकर्मा पूजा है, अभी देखते हैं, लेट्स होप सब कुछ ठीक ठाक हो। सोचा क्या हुआ, गाड़ी उतर के हम नीचे आया, पब्लिक ने बोला है भूकंप हुआ है, बहुत ज़्यादा भूकंप हो रहा है, इसलिए हम लोग डर गया है। गाड़ी में रहा, पता ही नहीं चला भूकंप हो रहा है, इसलिए बहुत हम डर गया है। उस दिन भूकंप का उत्पत्ति स्थल गंगटोक से 68 किलोमीटर दूर मंगन में था। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 6.9 थी। इस जलजले का असर पूरे पश्चिम बंगाल पर पड़ा था। भूकंप की तीव्रता पड़ोसी राज्य असम, बिहार के अलावा मेघालय, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में भी महसूस की गई। तो हम तो घर में बैठे था, तो भूकंप आया तो देखा है हिला है, तो कुछ टाइम हम बैठ रहे हैं, फिर गिल खुल के बाहर में आया तो कुछ नहीं रखा था, सीढ़ी उड़ी कुछ नहीं था, तो हम नामा चढ़ के नामा, तो कोई नहीं पता कहाँ से निकला। तो बाहर में आया, देखा है पूरा हिल रहा है घर। हाँ, तो हमारा जो भाई था वो तो घर में था, तो हम तो उसको छोड़ के नहीं आता, डरा था घर इधर और इधर 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 ऐसे कर रहे हैं, बार बार ये नहीं आए, इस समय भगवान से हम प्रार्थना कर रही है। जल जले के बाद आतंकित कई लोग जान बचाने की फिराक में इधर उधर भागते हुए ही जख्मी हो गए। बड़े बड़े बुजुर्ग आतंक से हृदय रोग से ग्रस्त हो गए। आज भी भुक्त भोगी लोग उन मनहूस यादों को भुला नहीं पाए हैं। इस वर्ष यानी 2019 को भी 18 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा है। कुछ लोगों के मन में आशंकाएं जरूर है, ऐसे लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वैसा दिन फिर न दिखाए। ये वो दिन था, नॉर्मली क्या होता है कि 17 तारीख को, 17 सितंबर को अपना विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है, राइट। लेकिन ये वो दिन था जब 18 को मनाया गया था और भूकंप आया था, जिसका एपिक सेंटर सिक्किम था, एंड कोइंसिडेंसली मैं सिक्किम में ही था दैट टाइम, सो आई फेस दैट मोमेंट। तो अभी ये फिर रिपीट हो रहा है मोमेंट, तो मुझे देखिए दैट वाज टाइम, वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि विश्वकर्मा पूजा 18 हुआ एंड सबका मेंटालिटी हुई था कि ये उसी कारण ये हुआ है, बट आई डोंट थिंक कि इस बार भी रिपीट होगा। बट अगर इन केस अगर ऐसा होता है तो दैट मीन्स देर इज सम कोरिलेशन विद गॉड एंड अस। तो अगर होता है तो मुझे लगता है कि नहीं, 17 में होना चाहिए, अगर नहीं होता तो दैट वॉज कोइंसिडेंस ओनली। भूकंप तो मतलब एक ऐसे अनप्रेडिक्टेबल वो है, तो ऐसे डेट के साथ कुछ रिलेटेड नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं। उस दिन आया था, ठीक है, इट्स ओके, इट्स वो एक नेचुरल कैलामिटी है, कभी भी आ सकती है, तो ऐसे डेट के साथ मुझे नहीं लगता उसको रिलेट करना करेक्ट होगा। हाँ हाँ, वो दिन तो थोड़ा स्केरी था एक्चुअली, तो बेटर है कि ना याद किया जाए। यादें जब मन को झंझोड़ती है तो आशंका फिर उठती है कि इस बार भी विश्वकर्मा पूजा 18 सितंबर को ही है। मन की गहराई में कहीं ना कहीं आतंक का वो अध्याय आज भी सिलीगुड़ी वासियों के मन में है।